हेलो गाइस, वेलकम टू एमजे। स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे गाइस ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे ना सामने, मैंने आपको जैसा बताया होगा, मेरे घर के सामने ही काली माता का मंदिर है। तो बहुत यानी होली के टाइम पे ना वहाँ पे पूजा होती है, जो बहुत बड़ी यानी पूजा होती है, बहुत उनकी मान्यता है। और वहाँ पे जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, वो इस तरह त्रिशूल घुसाता है। देखो इतनी बड़ी त्रिशूल इन्होंने अपने गालों में घुसाया और एक बूंद भी खून नहीं। ये सब खड़े हैं कि कोई धक्का ना मार दे, क्योंकि गाल में देखो वहाँ पे त्रिशूल घुसाया गया है। और ये जो भाभी खड़ी, उन्होंने भी अपने जीभ में छोटा त्रिशूल घुसाया है, वो बराबर कैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं इधर हूँ और अभी हम लोग आगे जाएंगे। बड़ा त्रिशूल है तो ये क्या, अभी माता जी का पूरा रथ यात्रा होता है पूरे सोसाइटी में, पूरे बोलते ना पूरा राउंड घुमाया जाता है। यात्रा माँ काली माता की निकलती है और इस तरह से सब लोग देखो कितना अच्छा सजाया जाता है पूरा मंदिर तक, पूरा 2-2 किलोमीटर तक। और सब इस तरह से जिसकी मेहनत पूरी होती है वो त्रिशूल अपने गाल में और एक इतना बड़ा वो होता है कि पिछले माता जी की रथ यात्रा आ रही है, आगे जो चल रहे हैं और उनको सेफ कर रहे कि कोई धक्का ना मार दे, कोई लग ना जाए किसी को भी, प्लस उनको भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए सब उनको सेफ्टी देखो किस तरह से ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ है आप लोग निकाला है, जो भाभी साथ में चल रही है उन्होंने अपने जीत में छोटा कुछ। तो ये अंदर मंदिर में जा रहे हैं, इस समय पता लगा है क्योंकि काम चल रहा था बिल्डिंग का, तो ये वहाँ से रास्ता है, ये अंदर मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे त्रिशूल निकाला जाएगा। और ये माता जी के पीछे देखो रथ यात्रा आ रही है वापस अपने धाम पे। पुलिस वुलिस भी सब थे कि भाई कुछ मारा मारी ना हो जाए, एंड और काफी रात भी हो गया था तो वो लोग भी कि जल्दी जल्दी सब करो, यहाँ पे माता जी की रथ यात्रा आ रही है। ये देखो कैसे माता जी की रथ यात्रा बहुत बहुत शानदार तरीके से निकाली जाती है। और माता जी इतनी सुंदर लग रही थी ना उस समय, आप पूछो मत। मैंने कैच किया है, थोड़ा सा फोटो ले रही थी, बट इतना क्लीन शायद अगर आया हो तो आप लोग भी दर्शन कर लो, उनकी बहुत मान्यता है हमारे यहाँ पे। तो देखो कितनी माता जी इतनी सुंदर लग रही थी ना, नजर ना लगे। यानी मंदिर के बाहर रथ रुका गया है, यहाँ पे माता जी का कपड़े चेंज हो रहे हैं। कपड़े चेंज होने के बाद उनकी आरती होती है और फिर उनको अपने यानी जहाँ पे उनका स्थान है मंदिर के अंदर, वहाँ पे आपस उन्हें बैठाया जाता है और उसके बाद पूजा आरती सब होती है। ये देखो मंदिर जी, देखो पूजा आरती यानी आरती हो गई है, कपड़े चेंज हो गए, माता जी को वापस मंदिर में अंदर ले जाया जा रहा है। तो सब लोग वापस उन्हें अंदर मंदिर में उनके स्थान पे वापस विराजमान करवाएंगे। नेक्स्ट डे गाइस और सेल्फी पिक्चर निकली थी, मेकअप की निकली थी, बट हम लोग की उसमें बहुत कंटाला आ गया, घर घर में कुछ भी करने का मन नहीं। और फिर इतनी तबीयत खराब कर रही है वो, थोड़ा ऐसा है तो अब ऐसा है कि अब बस सबसे थोड़ा बाहर कहीं लेके जाओ। तो हम लोग सेल्फी मूवी देखने गए थे, ये देखो वहाँ पे थोड़ा वेटिंग था मतलब हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, उठता हमें तो वहाँ पे बाहर बैठे थे कि जब मूवी चालू होगी तो फिर अंदर जाएंगे। हम लोग ने पूरा थिएटर बुक कर लिया है, देखो कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 जन। हेलो, हम 2, हम 3 है, हम ना 1, 2, 3 है और उसके बाद एक अंकल बैठे हुए पीछे। कोई नहीं है, देखो पूरा थिएटर खाली है, पूरा पूरा सिर्फ हम लोग ने बुक किया है। हम लोग देखने आए सेल्फी मूवी, सेल्फी। और अभी बज रहे हैं 9:30, नहीं दिख रहा होगा 9:30 के शो है और पूरा थिएटर खाली है, सिर्फ हम 3 जने। जहाँ मन चाहे वहाँ बैठ जाओ, हम लोग ने बुक कर लिया पूरा। लो तुम्हारा फोन लो, क्यों नहीं कोई लेकिन चलो बैठते हैं। Many hours later. Angel, how are you doing?
ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब पिक्चर चालू हुई तो कुछ लोग आ गए, बट हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे थे। उसमें लोग ने रेंजल आइसक्रीम का जिद कर दी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा आता है आइसक्रीम करो उससे करो। अभी बाद में किसने चोटी बनाई है, नाम कितना मस्त है भाई, मेरे पास मत आ मेरा और इधर ये डर ही नहीं है रे कुछ नहीं काटा कुछ नहीं काटा था। अब 14 से 4 हो गया है बस, दो है ना, दो हो गया, मैं 4 सोच रही थी। विस्की बेटा विस्की, चोटी तुम्हारी बड़ी अच्छी लग रही, कौन बनाया तुम्हारी चोटी हैं? विस्की विस्की की चोटी विस्की की चोटी